नमस्कार दोस्तों, आपका पीएसए 4 से ज़्यादा है, मतलब कि आपका पीएसए हाई है और आपको डॉक्टर ने प्रोस्टेट बायोप्सी के लिए बोला है। तो काफ़ी पेशेंट्स को इस सिचुएशन में प्रोस्टेट बायोप्सी से डर लग रहा होता है, उनको डर लगता है कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं प्रोस्टेट बायोप्सी से कैंसर स्प्रेड ना कर जाए। और कई लोगों को ये लगता है कि प्रोस्टेट बायोप्सी की जगह पूरा प्रोस्टेट ही निकलवा दो, ताकि अगर कैंसर हो तो निकल भी जाएगा और अगर नहीं भी होगा तो बाद में तो कैंसर बन सकता है, तो इसलिए एक ही बारी में पूरा प्रोस्टेट निकाल दो। तो मैं डॉक्टर आशीष सभवाल, यूरोलॉजिस्ट, प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट और रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली इंडिया से आज आपको इसी बारे में डिस्कस करूंगा कि अगर आपका पीएसए बढ़ा हुआ है तो क्या बायोप्सी ज़रूरी है। देखिए, अगर पीएसए बढ़ा हुआ होता है, सबसे पहले तो काफ़ी बारी जो पहला पीएसए होता है वो इनकरेक्ट रीडिंग हो सकती है। इनकरेक्ट रीडिंग का मतलब कि आपका पीएसए हाई है ही नहीं और फिर भी पीएसए हाई आ गया है रिपोर्ट में। तो आपको हमेशा अगर पीएसए हाई आए तो एक बार रिपीट करना चाहिए और साथ में यूरिन टेस्ट भी करना चाहिए कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। तो अगर इन्फेक्शन भी नहीं है और पीएसए फिर भी बढ़ा हुआ है तो इस टाइम पे कैंसर का डर हो सकता है। अगला, आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपना रेक्टल एग्जामिनेशन कराना चाहिए, मतलब कि प्रोस्टेट चेकअप कराना चाहिए। प्रोस्टेट चेकअप में फिंगर डाल के प्रोस्टेट को फील करते हैं। नॉर्मल प्रोस्टेट जो होता है, जैसे हाथ का ये एरिया है, यहाँ पे फील होता है, फॉर्म ऐसी फीलिंग होती है। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई कैंसर की गांठ है तो वो हार्ट एरिया फील होता है। तो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को पता चल जाएगा कि रेक्टल एग्जामिनेशन में कि कुछ एबनॉर्मल है भी कि नहीं है। अगर आपका पीएसए बढ़ा हुआ है और आपने रेक्टल एग्जामिनेशन कराया और रेक्टल एग्जामिनेशन में भी गांठ आई है, अगला टेस्ट है बायोप्सी से पहले आपको एमआरआई कराना चाहिए। मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई होता है और उसमें अगर कोई एबनॉर्मल अपटेक होता है, जिसमें कोलीन अपटेक होता है और डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन होती है, तो ये सब एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आती हैं। तो जहाँ पे गांठ है वहीं पे ये सब फाइंडिंग्स आएंगी, तो 93% प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ पे कैंसर ही है। तो बिना बायोप्सी के अगर रेक्टल एग्जामिनेशन और एमआरआई में फाइंडिंग्स हुए तो 93% हम श्योर हो जाते हैं कि कैंसर ही है। और भी श्योर होना है तो फिर एक पेट स्कैन होता है। पेट स्कैन में एसयूवी अपटेक होता है, वैल्यूज आती हैं। तो वो वैल्यू जब 8.5 से ज़्यादा होती है तो अगर पूरे प्रोस्टेट में सब जगह वैल्यूज़ कम है और एक जगह पे जहाँ पे गांठ भी थी, एमआरआई पे भी एबनॉर्मल आ रहा था और वहीं पे पेट स्कैन में भी एसयूवी वैल्यू जो है वो 8.5 से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में प्रोस्टेट कैंसर की प्रोबेबिलिटी 98% से भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब बिना बायोप्सी के हमारे को 98% पता चल जाएगा कि कैंसर है भी कि नहीं है। बट अगर 100% पता करना है तो फिर तो बायोप्सी मैंडेटरी है। अब आपको एक चीज़ और सोचनी चाहिए, जब अगर किसी को किडनी कैंसर होता है या ब्रेन कैंसर होता है, तो इन सब कैंसर्स के अंदर हम लोग कभी भी बायोप्सी नहीं करते। हम लोग एमआरआई या सीटी स्कैन या पेट स्कैन, इन सब के बेसिस पे ही डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की जब गाइडलाइंस आई थी उसमें ना मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई था ना ही पेट स्कैन था, उन गाइडलाइन में सिर्फ पीएसए था। पीएसए अगर हाई हुए तो फिर बायोप्सी करनी होती है। तो वो वाली पुरानी गाइडलाइंस है, अभी वो वाली गाइडलाइंस अपडेट नहीं हुई हैं। हो सकता है कि अभी गाइडलाइंस अपडेट नहीं हुई लेकिन अगले 10 साल में प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी मैंडेटरी ना होए तो और नई गाइडलाइंस आ जाएँ जिसमें बायोप्सी करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा एमआरआई और पेट स्कैन के बेसिस पे आप सीधा सर्जरी कर सकते हैं। तो देखिए, आइडियली तो प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपको किसी बारे में भी डर लग रहा है, ब्लीडिंग से, इन्फेक्शन से, कैंसर स्प्रेड करने से, तो आप डेफिनेटली अगर पेट स्कैन और एमआरआई इन सब में एबनॉर्मेलिटी आई है और रेक्टल एग्जामिनेशन में भी गांठ आई है, तो इस कंडीशन में आप अगर सर्जरी का डिसीजन लेते हैं तो 98% प्रोबेबिलिटी है कि कैंसर ही है और आप सर्जरी करा सकते हैं बिना बायोप्सी के। अगर आपका भी पीएसए हाई है और आप ये सब ऑप्शंस में से डिस्कस करना चाहते हैं और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।